हेलो गाइज, आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइज, थंबनेल पढ़ लिया होगा आप सभी लोगों ने, तो थोड़ा सा यार सीरियस टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनना। कुछ भी ऐसा फेक नहीं है, क्लिकबेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अभी अपना मतलब जॉब वगैरह में जाने की सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है, जहां पे जो भी कैंडिडेट स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए, उनका मतलब बहुत सारे पैसे उनसे लिए जा रहे हैं और बदले में सब कुछ फेक निकल रहा है। तो गाइज इस चीज को पूरा ध्यान रखो। तो मेरे पास बॉम्बे से गर्ल का कॉल आया था, उनका नाम वगैरह नंबर नहीं बताऊंगा आपको, जस्ट बता रहा हूँ स्टोरी क्या है। उन्होंने मेरे को कॉल करके कहा कि आकाश सर, ये जो वेदांतु है, तो वेदांतु में जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या सिस्टम होता है, मतलब कितने दिन में उनका रिवर्ट आ जाता है। तो मैंने कहा 5-7 days में आ जाता है। तो उन्होंने पूछा कि यार कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं? मैंने कहा नहीं। कह रहे सर मैंने naukri.com से अप्लाई किया था वेदांतु के लिए, तो पहले उन्होंने मेरे से रजिस्ट्रेशन फीस मांग लिया 2000 रुपए, उसके बाद जब मैंने पे कर दिया तो मेरे से 4500 रुपए और मांग रहे थे, आपकी सीट पक्की हो जाएगी वहां पे, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो गाइज दिस इज टोटली फेक। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट कंपनी, कोई भी कंपनी आपसे इंटरव्यू के लिए पैसा नहीं लेती है, और अगर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तो वो यार वो कंपनी नहीं है। गाइज इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखें, आप किसी को भी ऐसा पैसा मत दे। naukri.com पे ऐसा नहीं कि सारे फेक है, ओरिजिनल्स भी हैं, बट फेक भी बहुत है वहां पे यार, जो आपको कह देंगे कि यार आप हमको पैसे दे दो, हम रजिस्ट्रेशन करके आपका इंटरव्यू करा देंगे। ऐसा नहीं करना, आपने पैसा नहीं देना आपने किसी को भी। जब भी वहां पे अप्लाई करते हो ना थ्रू naukri.com, तो वहां पे ना उनका जो मेन होता है, जिन्होंने उस पोस्ट को डाला होता है, पहले आप वो चेक कर लिया करो किस नाम से वो पोस्ट है। वहां पे वो लिख तो देंगे कि हायरिंग फॉर वेदांतु, हायरिंग फॉर डैश कंपनी, हायरिंग फॉर डैश कंपनी, लेकिन जिस प्रोफाइल ने वो पोस्ट डाली है ना, आप वो प्रोफाइल जरूर देख लिया करो। अगर वो प्रोफाइल उसी कंपनी के, तब आप अप्लाई करो। अगर वो प्रोफाइल पे कुछ और लिखा हुआ है, वो टाइटल कुछ और है, तो वहां पे मत किया करो, दैट मींस वो फेक है। इस चीज का पूरा ध्यान रखा करो। और सबसे बेटर तरीका है गाइस कि आप सिंपली लिंक्डइन पे जाओ यार, वहां पे उनके ओरिजिनल रिक्रूटर्स है, ओरिजिनल एचआर है, वहां पे गूगल फॉर्म्स मिलते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करो। लेकिन अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है ना, तो बस आप उनको पैसे मत दो यार। पैसे देंगे तो दैट मींस बस वो कहानी खत्म है, वो फेक है। पैसे कहां पे लगते हैं ना, जब हम डायरेक्टली बाई फेस किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं, वो हमसे पैसे मांग लेते हैं 500-1000 रुपए, और बाद में कह देते हैं कि चलो सैलरी में से हम आपका आधी सैलरी हम लेंगे, पहली सैलरी कुछ ऐसा होता है, और उसके बदले में वो जॉब वगैरह इंटरव्यू करवा देते हैं। तो लेकिन यार यहां पे सिनेरियो अलग है यार, हमने ऑनलाइन पे कर दिया, हम उसको डायरेक्टली जानते नहीं, उनकी प्रोफाइल पे एचआर लिखा हुआ है, हम रियलिटी में तो नहीं जानते। तो प्लीज गाइस आप पैसा किसी को भी मत पे कीजिएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। और गाइस आपकी क्या राय है इस चीज को लेके, मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, प्लीज बताइएगा। मैंने तो ऐसा देखा है, इसलिए गाइस प्लीज आप ऐसा किसी को पैसा मत पे कीजिएगा। हाँ बस इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा गाइस। हाँ अगर वहां पे वो ओरिजिनल है, आपको दिख रहा सब कुछ ओरिजिनल है वहां पे, वही कंपनी, तो बिल्कुल आप वहां पे अप्लाई कीजिए। लेकिन ओरिजिनल जो होते हैं ना, ओरिजिनल जो कंपनी जब आपके जो जेन्युइन है, वो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे यार। और जो जेन्युइनली नहीं होगी ना, वो आपसे पैसा मांग लेंगे कि हम इस कंपनी में आपको रिक्रूट कर लेंगे, तो बस पैसा आपने नहीं देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ध्यान रखिएगा। और दोबारा से फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।